दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आधा देख करके छोड़ दोगे तो इस वीडियो से कुछ भी नहीं सीख पाओगे और कहीं ना कहीं अपना समय भी बर्बाद कर लोगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो से बहुत कुछ सीख करके जाओगे और आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं जाएगा। हो सकता है कि कुछ कड़वी बातें बोलूं मैं आपसे, लेकिन मैं आपके भले के लिए बोलूंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और पूरा सुनना। देखिए दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अब तक आपने क्या किया, अब तक आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, अब तक आपने अपने समय को बर्बाद क्यों किया। मैं ये सब कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। मेरा ये मानना है कि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, जो गलती आपने कर दी वो कर दी। अब आपको ये सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। अब आपको ये देखना है कि अब आपके पास क्या बचा हुआ है, अब आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, अब आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप आने वाले एग्जाम में फोड़ कर रख दो। अब आपको ये सोचना है, अब आपको बीती बातों के बारे में नहीं सोचना है। और अभी भी आपके पास इतना समय बचा हुआ है कि आप आने वाले एग्जाम में बहुत कुछ कर सकते हो, पेपर फाड़ कर रख सकते हो। बस जरूरत है आपको एक सही डायरेक्शन की, एक सही माइंडसेट की जरूरत है, नहीं तो आपको अंदर कमी कुछ भी नहीं है दोस्तों। बस जरूरत है आपको एक सही डायरेक्शन की। तो सबसे पहले आप आज से अभी से अपने लिए एक गोल बनाइए, एक कॉपी कलम उठाइए और अपनी कॉपी कलम पर एक गोल बनाइए कि मुझे आने वाले एग्जाम में इतना परसेंटेज लाना है तो लाना है। देखिए, जब तक आपके पास गोल नहीं होगा तो मैं ये आपसे बार बार कहता आया हूँ कि आप उस एनर्जी के साथ, उस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई नहीं करोगे। मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने अपने लिए गोल तैयार किया होगा, लेकिन जिन जिन बच्चों ने अपने लिए गोल नहीं बनाया है तो वो एक गोल बनाइए और जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो उस दीवार पे आप चिपका दो सामने, ताकि वो आपकी नज़रों में रहे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो चीज़ हमारी आँखों के सामने रहता है ना, जैसे अगर आपने सपोज यार अपने लिए गोल बनाया कि मुझे 85% या 80% लाना है, तो दोस्तों वो बार बार आपको दिखेगा, तो वो बार बार आपको मोटिवेट करेगा, पुश करेगा कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए यार, मैंने गोल बनाया है तो मुझे पढ़ना है, मैंने ये गोल यूं ही नहीं बनाया, मुझे मेहनत करनी है, मुझे वो परसेंटेज हासिल करना है जो मैंने परसेंटेज अपने लिए सोचा है दोस्तों। तो आप गोल जरूर बनाइए दोस्तों अपने लिए, वो गोल आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, वो गोल आपको पुश करेगी पढ़ने के लिए। और जब आपके पास एक गोल होगा ना दोस्तों, जब आपके पास एक वजह होगी पढ़ने की, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। आप आलस नहीं करोगे पढ़ने में, आपको ये नहीं, आप प्रोकाशनेट नहीं करोगे, टालोगे नहीं चीज़ों को, यार आज से नहीं कल से पढ़ूंगा, वो आप खुद ब खुद आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मुझे उस गोल को अचीव करना है, तो 4 से 5 महीने तो मुझे मेहनत करनी है, ज़्यादा कहाँ मेहनत करना है। अगर मैं 4 से 5 महीने ढंग से पढ़ाई कर लेता हूँ तो मैं अपने बनाए हुए गोल को अचीव कर लूँगा। और जब आप अपने बनाए हुए गोल को अचीव कर लोगे ना दोस्तों, उसकी खुशी अलग ही होगी, आपके माँ बाप की भी खुशी अलग ही होगी दोस्तों। इसीलिए आप अपने लिए गोल, सबसे पहले तो आप अपने लिए गोल जरूर बनाएं और अपने आप से प्रण लीजिए कि आज से अभी से मैं अब रोज पढ़ाई करूंगा, अब मैं एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन मैं बुक को नहीं उठाऊंगा, अब मैं चीजों को टालूंगा नहीं, जो हो गया सो हो गया, मुझसे जो गलती मैंने करनी थी कर दी, लेकिन अब से, आज से, अभी से लेकर के एग्जाम तक मैं रोज पढ़ाई करूंगा। और देखिए, आपके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन ही आपके माँ बाप है दोस्तों। आपको पढ़ाई करने के लिए किसी भी और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने माँ बाप की तरफ देखो जिन्होंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया है दोस्तों, अपने फादर की तरफ देखो, अपने पापा की तरफ देखो, जिन्होंने, जिनसे आपको उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा अच्छा परसेंटेज लाएगा या मेरी बेटी अच्छे परसेंटेज लाएगी एग्जाम में दोस्तों। आपको किसी और मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, आपके पेरेंट्स को छोड़ करके, जिनसे आपसे उम्मीदें हैं दोस्तों कि आप अच्छा करोगे, अच्छा रिजल्ट ला करके उन्हें खुशी दोगे। तो इसीलिए दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, क्योंकि देखिए मजे करने के लिए सारी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन जो ये 4 से 5 महीने ना दोस्तों, एक बार अगर निकल जाएंगे ना आपको, तब बाद में आपको पछतावा होगा दोस्तों। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको बहुत रिग्रेट होगा अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे, आपको लगेगा कि यार काश मैं पढ़ लेता तो मेरा रिजल्ट भी अच्छा होता, मैं भी अच्छा रिजल्ट लेकर के सबको बताता अपना रिजल्ट खुशी से कि मुझे इतने परसेंटेज आए हुए हैं। अगर ये समय निकल जाएगा दोस्तों और आप पढ़ाई नहीं करोगे और बाद में जब आपका रिजल्ट खराब आएगा, तब आपको बहुत शर्म आएगी दोस्तों खुद पर कि काश मैं पढ़ाई कर लेता तो मेरा रिजल्ट अच्छा होता, मैं पूरी दुनिया को, सबको बताता, आस पड़ोस के लोगों को बताता कि मेरा रिजल्ट इतना अच्छा आया है, देखो आप खुशी से सबको बताओ। इसीलिए दोस्तों वो दिन ना आए, इसीलिए आज से अभी से आप पढ़ाई करने बैठ जाओ दोस्तों,
अगर कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस 4 से 5 घंटे रोज ही तो पढ़ने हैं दोस्तों, जिंदगी भर तो आपने मजे ही किए दोस्तों, बस 4 से 5 महीने आपको 4 से 5 घंटे रोज पढ़ाई करनी है। अगर आप रोज 3 से 4 घंटे अभी से लेकर के एग्जाम तक पढ़ाई कर देते हो दोस्तों, तो आप बहुत अच्छा परसेंटेज बना करके ले आओगे। जरूरी नहीं है कि 90% ही लाना है दोस्तों, 80% 75% ही बहुत अच्छे परसेंटेज होते हैं दोस्तों। आप इतना ही करना, जितना आपको लगे आप उतना ही करो दोस्तों, लेकिन आप रोज पढ़ाई करो, अपने अंदर जो आपने गोल बनाया उस गोल को अचीव करो, जो भी आपने गोल बनाया उस गोल को जरूर अचीव करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और ना भी लाइक करो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़ाई करो दोस्तों, बस आपके मेरा इतना ही आपसे गुजारिश है कि दोस्तों आप पढ़ाई करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और आप अपने भी खुशी के लिए अपने अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए पढ़ाई करो दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।